तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप सबसे पहले अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल बनाते हैं तो क्या क्या उसका बेनिफिट होता है, और साथ में आज मैं एक ऐसे ऐप्स के बारे में भी बताऊंगा जिससे आप कम से कम समय में एक अच्छा क्वालिटी का थंबनेल बना सकते हैं। आपका थंबनेल का क्वालिटी जो कभी भी कम नहीं होने वाला है, और आज तक हमारा आप जितना भी वीडियोज देखे हैं या फिर नहीं देखे तो आपको वीडियोज बहुत सा मिल जाएगा, वहां पर आप जाके मेरा थंबनेल का क्वालिटी देख सकते हैं कि थंबनेल मैं कैसे बनाता हूँ, उसका क्वालिटी क्या है, थंबनेल में कैसा लगता है। तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रीतम यादव ऑफिशियल। यदि हमारे चैनल पे न्यू आए तो जरूर से सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, इतना तो सबको ही पता है कि थंबनेल सबको ही बनाता है, चाहे कोई भी कैटेगरीज का वीडियोस आप बना रहे हो और आपके YouTube वीडियोस पे आपको थंबनेल लगाना ही है। तो दोस्तों अब मैं जानता हूं कि थंबनेल सबको ही बनाता है, तो दोस्तों इसमें अंतर क्या है कि बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि सब चीज रेडी हो जाने के बाद वो अपना थंबनेल को रेडी कर लेते हैं और साथ में अपने वीडियोस के ऊपर लगा के वीडियो को अपना पोस्ट कर देते हैं, यानी कि वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। लेकिन क्या चीज प्रॉब्लम होता है उस बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैं आप क्या क्या गलती करते हैं, इसके वजह से आपको YouTube की तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं मिलता है और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कि वीडियो शूट हो जाने के बाद, वीडियो एडिट हो जाने के बाद और टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन आपका जो भी वीडियोस कैटेगरीज है वह चीज तैयार करने के बाद, यानी सब चीज हो जाने के बाद जब आपका जो पब्लिक का टाइम आता है तभी आप अपना थंबनेल को बनाते हैं और थंबनेल को लगा के वीडियो को अपलोड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का जरूरी ध्यान रखना होगा कि यह गलत तरीका है। मैं दोस्तों यह नहीं बोलता कि आपका थंबनेल खराब है, लेकिन दोस्तों मैं आपको यह गलत तरीका बताऊंगा। क्यों गलत तरीका है चलिए मैं वीडियो में बताता हूं, और आपको मैं साथ में यह भी बताऊंगा कि आपको अपने YouTube वीडियोस के लिए थंबनेल किस टाइम में बनाना है जिससे कि आपको YouTube की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा और आपके वीडियोस के लिए थंबनेल अच्छा भी बनेगा। और एक चीज आपको जरूर ही पता होगा दोस्तों कि YouTube वीडियोस के लिए उसका जो मेन फेस है, यानी बोले तो उसका फेस जो होता है उसका थंबनेल होता है। थंबनेल के थ्रू से आपके जो भी व्यूअर, आपका जो भी ऑडियंस आपके वीडियोस पे आता है और आपके वीडियोस पे क्लिक करता है और आपका वीडियोस को देखना स्टार्ट कर देता है, यानी टोटल बोले तो उसको जो 50% थंबनेल से ही समझ में आ जाता है कि इस वीडियोस में क्या बताने वाला है, इस वीडियोस में हमको क्या चीज के बारे में जानकारी मिलने वाली है, तभी वो आपके वीडियोस को क्लिक करता है। तो यह चीज साबित हो जाता है दोस्तों कि वीडियो का जो मेन फेस होता है, यानी वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका थंबनेल होता है। ये दोस्तों आपका थंबनेल अच्छा नहीं है, चाहे आप कितना भी क्वालिटीज का वीडियोस क्यों नहीं बनाए, बहुत एडिटिंग किए, बहुत मेहनत किए, बहुत अच्छा से वीडियोस को तैयार किए, लेकिन यदि आपका थंबनेल खराब है तो आपके वीडियोस को जब क्लिक कोई नहीं करेगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आखिर में यह थंबनेल किसके बारे में, तो आपके वीडियोस को क्लिक कभी नहीं करेगा। यदि आपका थंबनेल सही है और आपके वीडियोस में कुछ भी रहे, यदि आपका थंबनेल अच्छा है तो थंबनेल के बेस पे आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे, आपके वीडियोस पे क्लिक करेंगे और आपको YouTube की तरफ से काफी ज्यादा रिस्पांस देखने को मिल सकता है। आपका टाइटल कुछ भी हो, आपका टैग क्या लगा है वह मायने नहीं रखता है। आपका टाइटल क्या लगा है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आप टैग क्या क्या चीज लगा के रखे हैं और आप वीडियो कैसे एडिट करते हैं वह आपका मायने ज्यादा नहीं रखता है। यदि आपका थंबनेल सही है, थंबनेल यदि आपका सही है तो आपके वीडियोस में काफी ज्यादा रिस्पांस मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे कई YouTube पे आप वीडियोस देखे होंगे जिसमें ना तो उसका टाइटल सही है, ना उसका टैग सही है, ना ही उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा हुआ, लेकिन वह फिर भी वह वीडियोस जो है वायरल है। तो मैं दोस्तों यह बात बार-बार सबको बताता हूं कि यदि आपका थंबनेल सही रहेगा ना तो आपका वीडियोस जो वायरल होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है और आपके वीडियोस पे काफी ज्यादा रिस्पांस देखने को मिल जाता है। थंबनेल के बदौलत, यानी क्लिक थ्रू जो रेट होता है, यानी क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है दोस्तों कि यदि कोई ऑडियंस के पास, कोई भी व्यूअर के पास आपका वीडियोस जाता है तो आपके वीडियोस को देख के, यानी आपके थंबनेल को देख के वो क्लिक करता है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके वीडियोस को देखता है, देखता है, देखते ही जाता है। इससे क्या होता है, आपके क्लिक थ्रू रेट बढ़ने के कारण से यह जो आपका YouTube है आपके वीडियोस को काफी ज्यादा सजेस्ट लिस्ट में डालने लगता है। YouTube आपके वीडियोस को काफी ज्यादा तेजी से बहुत लोगों तक पहुंचा देता है, जिसके वजह से आपका वीडियोस जो है वायरल हो जाता है। नहीं तो दोस्तों आप YouTube पे सर्च करके ऐसा वीडियोस देख सकते हैं जहां से आपको बहुत ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसका कि ना ही कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसका यदि थंबनेल सही तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है आपको थंबनेल में। दोस्तों मैं ये बार-बार ही बात ये रिपीट करता हूं कि आपको सबसे ज्यादा थंबनेल में टाइम देना ही है। लेकिन दोस्तों आप क्या करते हैं कि सब चीज रेडी करने के बाद, अपना वीडियो शूट करने के बाद, एडिट करने के बाद, अपलोडिंग के टाइम में आप अपना थंबनेल बनाते हैं, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम यह होता है कि आप सोचते हैं यार मेरा वीडियो रेडी है, एडिटिंग करके, शूट करके, सब चीज करके रेडी है, मैं टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन लिख के रख चुका हूं, जल्दी से हमको थंबनेल बनाना है और अपने वीडियोस पे लगा के वीडियो को अपलोड कर देना, यानी कि
पब्लिक कर देना है मेरा वीडियोस को। तो यही सोचते हैं आपकी जल्दी से जल्दी मैं थंबनेल बना लूं, लेकिन दोस्तों यह गलत चीज है। आपको क्या करना है, आप जिस भी टॉपिक से वीडियोस बनाने के बारे में सोचे हो तो सबसे पहले आप ऐसा माइंड में सोचो कि मेरा थंबनेल इसके लिए कैसा बनाए, यानी इसका थंबनेल किस तरह से बनाना चाहिए जिससे कि जो भी आपका व्यूअर है, जो भी आपका ऑडियंस है, वह चीज देख के वो आकर्षक हो जाए। यार आखिर में इस वीडियो के अंदर में है क्या, आखिर में क्या चीज बताया है इस वीडियो के अंदर में, और वह आपके वीडियोस को क्लिक करने के लिए बेताब हो जाए और उससे रहा नहीं जाए और आपके वो वीडियोस पे क्लिक करें और आपके वीडियोस को वो वॉच करें। तो आपको क्या करना है, आपको हड़बड़ी में थंबनेल बिल्कुल भी नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना थंबनेल बनाना है, क्योंकि थंबनेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे आपको बताया कि थंबनेल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो, यदि आपका थंबनेल सही तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है आपके यूट्यूब के तरफ से। और अब बात करते हैं इसका मेन जो बेनिफिट है, उसका जो पॉइंट है, उसका पॉइंट यह है दोस्तों कि यदि आप अपना सबसे पहले थंबनेल बनाते हो तो थंबनेल आपका देखने में सबसे अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा थंबनेल, और उसका क्वालिटी भी अच्छा रहेगा। इसमें आपको काफी ज्यादा समय मिल जाता है, आपको हड़बड़ी नहीं है कि ना वीडियोज रेडी, हमको थंबनेल अपलोड करना है, जल्दी से वीडियो को पब्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको जो इंपॉर्टेंट टूल्स चाहिए थंबनेल में, मान के चलिए आप मोनेटाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, तो आपको यह चीज सोचना होगा आखिर मैं थंबनेल में ऐसा क्या क्या चीज मैं डालूं जिससे कि थंबनेल देख के ही वो वीडियोस को क्लिक करे। कुछ ऐसा मोनेटाइजेशन का फीचर, कुछ थंबनेल का कुछ लोगो ऐसे लगाना है, कुछ मनी वगैरह सब का जो लोगो होता है, जो उसका जो पीएनजी होता है उसको डाल देना है, कुछ उसको थंबनेल में ही पूरा चीज दिखाना है कि इस वीडियो में क्या-क्या चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर पे जाके जो-जो चीज आपको जरूरत है, आपको टूल्स चाहिए थंबनेल रेडी करने के लिए, ऊपर में जो देने के लिए ताकि आपका थंबनेल अच्छा बने और आपका थंबनेल का क्वालिटी भी बेस्ट हो, तो वहां से आप चीज डाउनलोड करके बाद अपना आप थंबनेल बनाना रेडी कीजिए। इससे आपका थंबनेल देखने बिल्कुल आकर्षक लगेगा। जब भी आप थंबनेल बनाते हैं तो आपको अपना माइंड लगाना होगा, सबसे कुछ अलग हटके थंबनेल बनाना है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आपके वीडियो की कैटेगरी के हिसाब से ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जो कि ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आपका वीडियोस क्यों देखेगा, तो उसमें अलग होना ही चाहिए। जब तक आपके वीडियोस में कुछ अलग नहीं होगा, आपके कुछ थंबनेल में अलग नहीं होगा, तो आपके वीडियोस को क्लिक नहीं करेंगे, ना ही आपके वो वीडियोस को देखेंगे। तो आपको जो थोड़ा सा सोच के ही थंबनेल को रेडी करना है, तभी आपके वीडियोस में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। और दोस्तों अब मैं बता दूं कि मेरा जितना भी थंबनेल आप देखते हैं YouTube के वीडियोस पे, मैं एक ही ऐप से अपना थंबनेल बनाता हूं, जो कि है पिक्सल लैब। यह ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप्स है, क्योंकि दोस्तों इस ऐप से मैं आपको अपना थंबनेल का साइज मिल जाता है, आपका जो भी थंबनेल चाहिए उसका साइज आपको मिल जाता है, वहां से आप सेलेक्ट करके आप अपना थंबनेल को रेडी कर सकते हैं। साथ में आपको सेव करने का भी क्वालिटी मैं बता दूंगा, और मेरा ऑलरेडी पहले भी वीडियोस है, वो वीडियो का लिंक मैं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रख दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। थंबनेल आप पिक्सल लैब से बना तो लेते हैं, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वह घट जाता है वीडियो अपलोड करने के बाद, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो क्वालिटी है कभी भी नहीं घटेगा, और आपका जो थंबनेल है देखने में बहुत ही मस्त लगेगा, क्वालिटी भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के मैं वीडियो में बताया कि आप यदि थंबनेल को पहले रेडी करते हैं तो आपको क्या क्या चीज बेनिफिट हो सकता है, और आपको YouTube के तरफ से क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, और आपके लिए क्या चीज अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, और इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो जरूर से रख लेना दोस्तों, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी एंड यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ में यदि आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, ताकि मैं आपका कमेंट को देख के जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है मैं रिप्लाई जरूर ही करूंगा। तो चलिए मैं फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।